हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 42nd डे यानी 42वें दिन का पार्ट टू। और पिछली वीडियो में यानी पार्ट वन में मैंने ये 24 नंबर में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो मैंने डिस्कस किए थे, और आज हम कुछ नए सेंटेंसेस जानेंगे। जब हम नौकर से यानी जब हम सर्वेंट से बात करते हैं तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होती है और किस तरह के सेंटेंसेस हम बोलने में यूज करते हैं, हम ये सेंटेंसेस आज जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो पहला सेंटेंस है, यहाँ आओ लड़के, कम हियर बॉय। खाना लाओ, ब्रिंग द फूड। जब हम ऑर्डर करते हैं या हम बोलते हैं कि खाना लाओ तो हम कहेंगे ब्रिंग द फूड। एक गिलास पानी पिलाओ, पानी के लिए बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहां जाओ और चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो। तो ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है, जब हम सर्वेंट से बात करें यानी जब हम नौकर से बात करते हैं तो हम क्या क्या सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं, हम ये देख रहे हैं। तो ज्यादातर सेंटेंसेस जो आज हम जानेंगे वो होंगे ऑर्डर के, यानी जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो हम कैसे वाक्य बनाते हैं, तो ज्यादातर सेंटेंसेस ऑर्डर के होंगे। तो इसका है, गो एंड पोस्ट दीज लेटर्स। तो चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो को हम सिर्फ लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट करने का मतलब होता है कि चिट्ठियों को लेटर बॉक्स में डाल देना। कपड़े धो, वॉश द क्लोथ्स। जल्दी करो, हरी अप या मेक हेस्ट। बंडल उठाओ, इसको हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं, लिफ्ट द बंडल, पिक अप द बंडल या फिर कैरी द बंडल। मुझे आधी डबल रोटी दो, रोटी का मतलब होता है चपाती, यानी रोटी को हम इंग्लिश में चपाती बोलते हैं, लेकिन जब हम डबल रोटी लिख रहे हैं हिंदी में तो डबल रोटी का ट्रांसलेशन होता है ब्रेड। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा, गिव मी हाफ अ ब्रेड या गिव मी हाफ अ चपाती, अगर हम रोटी की बात कर रहे हैं तो। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क। रास्ता दिखाओ, शो द वे। अगर यहाँ पे हम कहते हैं मुझे रास्ता दिखाओ तो हो जाएगा सेंटेंस शो मी द वे, लेकिन क्योंकि सिर्फ रास्ता दिखा हुआ है सेंटेंस तो हमने लिखा है शो द वे। इन्हें बाहर छोड़ आओ, शो हिम आउट। बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का मतलब ही होता है बीच में बोलना। फिर है, जरा सुनो, जस्ट लिसन। घबराओ नहीं, डोंट वरी। थोड़ी देर ठहरो, वेट अ बिट। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। और पंखा बंद कर दो के लिए हम लिखेंगे स्विच ऑफ द फैन। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। नॉइज यूज होता है शोर के लिए। देखो बालक क्यों रो रहा है, गो एंड सी वाई द चाइल्ड इज वीपिंग या वाई द चाइल्ड इज क्राइंग। तो वीपिंग का मतलब ही रोना होता है और क्राइंग का मतलब ही रोना होता है, तो आप चाहे वीपिंग यूज करो चाहे क्राइंग यूज करो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। जरा कागज पेंसिल देना, गिव मी अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर। जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहो, वेट हियर अंटिल आई कम बैक। मैं ना आऊं यानी कि मैं जब तक वापस ना आऊं, तो वापस ना आऊं को हम बोलते हैं अंटिल आई एम बैक या अंटिल आई कम बैक। अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। मुझे 4 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 4 o'clock। लैंप जलाओ, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है लैंप का मतलब मिट्टी के तेल वाला, तो हम सिर्फ कहेंगे लाइट द लैंप। अगर मिट्टी के तेल वाला लैंप यहाँ पे नहीं होता, अगर हम सिर्फ बोलते लैंप जलाओ तो हम लिखते स्विच ऑन द लैंप। तो लाइट द लैम्प का मतलब होता है कि हम माचिस से, मिट्टी के तेल वाला जो लैम्प है उसको माचिस से जला रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला लैम्प होता है उसको बस हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, तो वहां हम लिखते हैं लाइट नहीं स्विच ऑन द लैम्प। बिजली जलाओ या बिजली बुझाओ। जलाओ का मतलब ऑन करना और बुझाओ का मतलब ऑफ करना, तो जलाने के लिए स्विच ऑन द लाइट और बुझाने के लिए स्विच ऑफ द लाइट। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अपनी अक्ल से काम लो, Use your mind या use your brains। कल जल्दी आना ना भूलना, Don't forget to come early tomorrow। बस अब थोड़ा आराम करो, Go and relax for a while। For a while यानी थोड़ी देर के लिए, तो अगर हमें कहना है कि थोड़ी देर के लिए आराम करो तो हम कहेंगे relax for a while, या हम ये भी कह सकते हैं कि go and relax for some time। तो अलग अलग sentences को English में convert करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक ही तरीका है, एक सेंटेंस को हम एक से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ याद रखने के लिए है बातें। संज्ञाओं की तरह अनेक विशेषणों के केवल अंतिम भाग को देखकर पहचाना जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें अब बाजार में मिलती हैं। तो यहाँ पे
अवेल क्रिया के आगे एबल लगाकर अवेलेबल विशेषण बनाया गया। इसी प्रकार एग्रीएबल जो है वो भी बना है इसी तरीके से एग्री के आगे एबल लगा के, कंफर्टेबल बना है कंफर्ट के आगे एबल लगा के, यानी कंफर्ट जो है वो क्रिया है यानी वर्ब है, और एबल लग गया तो कंफर्टेबल वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव हो गया। डिपेंडेबल भी बना है डिपेंड के आगे एबल लगा के, ईटेबल, मैनेजेबल, पेबल, तो ये सारे वर्ड जो है सेलेबल, वॉशेबल, ये मूल शब्द में एबल लगाने से बने हैं। कई बार एबल का कार्य करने के लिए IBLE भी लगता है, जैसे कंबस्ट में कंबस्टेबल की जगह हम लिखते हैं कंबस्टेबल, यानी IBLE लगाते हैं। एलिजिबल में भी IBLE लगा है, एलिजिबल में भी IELE लगा है, तो ABLE भी लगता है और IBLE भी लगता है अलग अलग वर्ड्स में। कुछ संज्ञाओं और क्रियाओं की आदि के अंत में AL लगा कर भी विशेषण बनते हैं, जैसे तो हमने देखा कि ABLE लगा के बनते हैं वर्ड, फिर यहाँ पे IBLE लगा के बनते हैं। कुछ वर्ड सिर्फ LE, सिर्फ AL लगा करके भी बनते हैं, जैसे ब्रूट से हम ब्रूटल बन गया, तो ब्रूटल कैसे बना, AL लगा के आगे। सेंटर से हमने बनाया सेंट्रल, तो सेंट्रल भी बना AL लगा के। कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअल, टर्म से बना टर्मिनल, तो ऐसे में शब्द के अंत में ई हो तो वह हट जाता है, यानी आपने देखा है ब्रूट में ई था तो ई क्या हट गया और ई की जगह आ गया AL और बन गया ब्रूटल। वैसे ही सेंटर में RE में ई जो था वो ई हमने हटा दिया, AL लगा दिया तो बन गया सेंट्रल। क्लोथ्स यानी सिले हुए कपड़ों को कहते हैं, और क्लोथ का मतलब होता है बिना सिले कपड़े को, तो जब हम क्लोथ बोलते हैं कहीं पे तो क्लोथ का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो कि अपने रॉ फॉर्म में, यानी वो सिर्फ एक कपड़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोथ्स की, यानी क्लोथ के आगे जब हम ES लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, तो ये डिफरेंस है क्लोथ्स और क्लोथ में। और जब हम कहते हैं सिर्फ क्लोथ यानी हमने S नहीं लगाया है, तो यह क्रिया भी है अर्थात कपड़े पहनना या पहनाना, तो क्लोथ का मतलब हो गया कपड़े का टुकड़ा जो कि सिला हुआ ना हो, क्लोथ का मतलब हो गया सिला हुआ कपड़ा, और सिर्फ क्लोथ का मतलब यानी CLOTHE का मतलब होता है कपड़े पहनना या कपड़े पहनाना, तो ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों वर्ब नहीं है, ये वर्ब है यानी ये क्रिया है क्लोथ। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। पार्ट वन और पार्ट टू आप दोनों ही देखें, अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।